ये पूरी बस्ती जो है वो खाली की जा रही है और लोग अपने घर का तिनका तिनका जो है वो ठेले के सहारे, ये देखिए छोटा बच्चा जो है वो कैसे, सामान इतना भारी है लेकिन तब भी वो लेकर जा रहा है। ये इतना भारी है कि इनका पूरा मुंडी ले जाइए दीदी, अब आपको हम नहीं परेशान करेंगे, सरकार तो ऐसे ही परेशान कर रही है। बेटा तुम्हारे यहाँ घर था, आप कहाँ जाओगे, आप देखिए कहाँ जाते हैं, ये नहीं पता कहाँ जाना है। नहीं, हमारे से कोई ठिकाना नहीं है, हस्बैंड भी खत्म हो गए, लड़का भी खत्म हो गया, बस एक बेटी है, तो ये भी नहीं पता कहाँ रहना है। ये भी नहीं पता है मुझको कहाँ रहना है। साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, हम लोग के माँ बाप पेट काट कूट के घर बनाए ने यहाँ पे, और 40 साल से रह रहे हैं यहाँ, अपने घर पे रहते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, किराए पे जाएंगे रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं लखनऊ के, ये जो आप मेरे पीछे नाला देख रहे हैं कुकरेल नाला, इसको दरअसल नदी बताया जा रहा है, और जो गुजरात का साबरमती रिवर फ्रंट है उसी के तर्ज पर इसे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास इस आधार पे किया जा रहा है कि अगल बगल आप बुलडोजर देख रहे होंगे, अब यहाँ पर जो बस्तियाँ हैं उसको गिरा कर यहाँ पर अब जो है कुकरेल रिवर फ्रंट के नाम से ये बनाया जाएगा, और बताया ये जाएगा कि शाम को ये पिकनिक स्पॉट बनेगा और यहाँ पर दुकानें लगेंगी और लोग घूमने टहलने आएंगे यहाँ पर। ये जो अभी कूड़ा सा दिख रहा है इसको साफ सुथरा रिवर फ्रंट बनाने का प्लान है सरकार का। इसके लिए 20 तारीख तक जो है वो कोर्ट ने रोक भी लगाई थी, और आज 21 तारीख है, आपको पता भी होगा, और आज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ इधर भी आपको बुलडोजर, उधर भी बुलडोजर, करीब दर्जनों की उसमें बुलडोजर आपको नज़र आ रहे होंगे, और आज जो है यहाँ पर घर गिराने की तैयारी हो गई थी। आपको एक दुकान के सामने एक बुलडोजर गिराते हुए रुका हुआ नज़र आ रहा होगा। अभी अभी पता चला है कि 1 महीने के लिए इसे रोका गया है, लेकिन अभी आप देखिए लोग कैसे जब अपना घर बसाते हैं उसके लिए कितना कुछ सामान कितने सालों में इकट्ठा करते हैं, और फिर कितना जल्दी उसको समेट कर यहाँ से निकलने की तैयारी में है। कुकर है, कढ़ाई है, तवा है, रोटी रखने वाला हॉटकेस है, और ये सब बटोर के जा रहे हैं। भैया आप चलाने वाले हैं कि आपका घर है, चलाने वाले घर भी है, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, चाची जा रही हैं, आप लोग क्या करें, कहीं छोड़ नहीं है तो कहाँ गए हैं। इसमें सामान रख दिया आप अपना, सब दीदी कहाँ निकाल निकाल सब फेंक गए हैं सामान, कन्ना कहीं जगह जा रहे हैं, अब जहाँ किराया मिली तहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर क्या करें, अब सही सही बिटिया है, कोई के बोर्ड के पेपर है, कोई कोई चीज के पेपर है, सब जा रहे हैं, अब कहाँ की बच्ची है जिसका बोर्ड का पेपर है। हाँ, बच्ची के बोर्ड के पेपर है अगले महीना में, इसलिए कहूँ कमरा लेंगे तो वहाँ पर रहेंगे, अभी दूसरे के प्लाट में कुरे रहे हैं सामान। अब मैम ये बताइए कि ये बच्चियाँ पढ़ने वाली सेमेस में पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, इनका क्या हाल होगा। बेटा आपका पेपर है बोर्ड का, बोर्ड का नहीं है बट पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा, और मेरी स्टडीज डिस्टर्ब हो गई हैं इस सब चीज़ों की वजह से, और अब काफ़ी, आज मैं स्कूल भी नहीं जा पाई थी, सारी स्टडीज़ मेरी मिस हो रही हैं। क्यों नहीं गई स्कूल, क्योंकि यहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि अब ये आ रहा है, लाइक टूट रहा है, ये सब हो रहा है, तो उस जल्दबाजी में हमें ना ही टाइम मिला स्कूल जाने का, ना ही घर में टाइम मिल रहा है पढ़ने का, तो इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं। तो आप लोगों को पता भी नहीं, आप लोग यहाँ से जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, नहीं हमें नहीं पता है, क्योंकि ये तो आप लोगों का सामान है। जी हाँ, ये हमारा सब सामान है, और हमें नहीं पता है कि अब हम कैसे रुकेंगे और कहाँ पर जाना है हमें। ये जो घर खाली कराया गया उसमें सरकार ने बताया नहीं है, क्योंकि एक जो मैं लेटर पढ़ रही थी उसमें ये था कि आप लोगों को एक घर दिया जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, घर और कुछ नहीं दे रहे हैं, घर पूरे कुछ नहीं दे रहे हैं, अब यही खाली कराया है, चाहे जहाँ जाओ रहो, इससे उनसे कोई मतलब नहीं है। बताइए, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बचाए बेटी, कहाँ लेके जाए इसको, तो रात में कहाँ रुकेंगे, अब जहाँ हम ऊपर वाले जहाँ रुकेंगे, हमारे से कोई ठिकाना नहीं है, हस्बैंड भी खत्म हो गए, लड़का भी खत्म हो गया, बस एक बेटी है, तो ये भी नहीं पता कहाँ रहना है। ये भी नहीं पता है मुझको कहाँ रहना है। ये जो लंबाई है वो 27.5 किलोमीटर की है, इतने लंबाई में जो घर हैं उनको गिराकर कुकुरनारा रिवर फ्रंट टाइप कुछ बनाया जाएगा, रिवर फ्रंट बनाने का प्लान है, और जो मेरे पीछे आप नाला देख रहे हैं उसे नदी बताया जा रहा है। और आप देखें यहाँ पे जितने भी ये लोडर रखे हुए हैं इसमें सभी अपना सामान भर कर जो है वो अब इस
आशियाने को छोड़कर दूसरे आशियाने की तलाश में जा रहे हैं, यानी कि जो गिरौंदा था इनका उसको इन्होंने छोड़ दिया। देखिए ऐसे ही सामान सब में भर रहे हैं और लोग जो है वो अब दूसरे घर जा रहे हैं। बेटा तुम्हारे यहाँ घर था, आप कहाँ जाओगे? आप देखिए कहाँ जाते हैं, हमारी अम्मी जहाँ जाएंगे हम भी जाएंगे। चप्पल नहीं है तुम्हारे पास? चप्पल थी, अम्मी ने भेज दी। चप्पल थी, अम्मी ने भेज दी, पैक कर दी। ऐसे किसी गाड़ी में तुम्हारा भी सामान रखा है? हाँ। ये नहीं पता कहाँ जाना है? नहीं। सोचिए जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनके गार्जियन जो है ऐसे लोडर में अपना सामान जो है वो भर रहे हैं। क्या करे बेटा, हम लोग बहुत मजबूर हैं। इधर आ जाइए चाचा, इधर। हाँ। हम लोग इतना मजबूर हैं कि अब क्या करें, ना खाने का कहीं ठिकाना, ना रहने का ठिकाना। ठंडी का बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे लेके मासूम कहाँ हम लोग फिरे, अब इसका क्या करें? अब भाई अब आप ही लोग जो मदद करिए तो करिए, हमारी लोग की कोई मदद भी नहीं हो रही, न कहीं व्यवस्था भी कुछ दिया जा रहा है। या तो इससे पहले उजाड़ना था तो हम लोग का राशन कार्ड क्यों बनाते, पिन कार्ड क्यों बनाते, लाइट के बिल क्यों करते, जितना हर चीज़ व्यवस्था भी मिल नहीं रहा है हम लोग को। अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कुछ बताया नहीं गया, कुछ नहीं बताया नहीं गया साहब। हाँ, सरकारी नोटिस में लिखा गया है कि आपकी आपको घर दिया जाएगा। हाँ हाँ साहब, अभी अभी नहीं, अभी बताया गया कहीं जंगल में छोड़ दे तो उसमें रुपया भी दे। बाईस जनवरी तक। अच्छा, तो ये लोग क्यों सामान भर रहे हैं फिर, एक महीने का स्टे मिला है? अरे साहब, वो है बिना हो चुका है, उनको बिना कुछ किए ये लोग तोड़ने लगे थे। अच्छा, बात को आज का हमारी कोर्ट में थी, जब देख के आदमी डर लगे। ये पूरी बस्ती जो है वो खाली की जा रही है और लोग अपने घर का तिनका तिनका जो है वो ठेले के सहारे। ये देखिए ये छोटा बच्चा जो है वो कैसे, सामान इतना भारी है लेकिन तब भी वो लेकर जा रहा है। अरे यार, कहाँ जा रहे हो बाबू? छोटू कहाँ जा रहे हो? घर कहाँ कहाँ है घर? जहाँ अल्लाह ले जाएगा वहाँ जाओ, बताइए कहाँ है घर? बोलिए। ये देखिए इतना ये भारी है और उसको ये इतना छोटा सा बच्चा जो है वो ढोकर ले जा रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई डिब्बा लिया है, कोई केन लिया है और ये चीनी मिट्टी का सामान इसमें रखा हुआ है, तो ये सब लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो पता है? पुल पर रहोगे आप? जाओ जाओ जाओ। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और जब ये कितना छोटा बच्चा है, चप्पल भी नहीं पहना है, चप्पल भी नहीं पहना है, कहाँ जाएंगे हम लोग, कहीं ठिकाना नहीं है। ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कहाँ जाएंगे जाने में, इनके इनका कोई भी कमाने वाला नहीं है, इनकी बेटी सिर्फ एक सीएमएस में पढ़ती है। ये देखो इनका कोई भी नहीं है, हाँ इनका कोई भी नहीं है और कोई भी सहायता नहीं मिल रही हम लोगों को, कोई सहारा नहीं, कुछ भी किसी का सहारा। यहाँ तक पुलिस वाले ना जैसे हम लोगों को एकदम पागलों की तरीके ट्रीट करते, कुछ भी जैसे हम लोगों को कुछ यहाँ है ही नहीं। और आज से कम से 40 साल पहले से रह रही है, मेरी मम्मी कम से कम 40 साल की यहाँ उससे रह रही और यहाँ 60 साल के ऊपर 80 साल के लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, जिनके दादा दादी सबको शांत हो गया वो भी यहाँ पे भी रह रहे हैं। ये जो इलाका है वो अकबर नगर का है और यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि 40 सालों से अधिक समय से यहाँ पर रह रहे थे। अच्छा, ये जो इलाका है वो यहाँ पे रहने वाले लोगों का कहना है कि ये 40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए दीदी कैसे बक्सा, कहाँ जा रही हैं? दीदी किराए पे लिया वहीं जा रहे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, क्या करें कहाँ जाएं, यहाँ तो मेहनत करके बच्चे पाल लेते थे, अब वो भी सहारा चला गया, बेघर हैं, कहाँ जाएं, कहाँ खिलाएंगे बच्चों को, झाड़ू बर्तन करके बच्चे पाल लेते हैं। 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है 5 साल का। बताया गया था कि घर खाली करना है? बताया कहा गया था, नोटिस दिन था, नोटिस खाली दिन था घर घर बस। अब परसों पुलिस वाले आए थे, अलाउंस कर गए थे, और आज सुबह कोई नहीं कुछ बताया, सपने आप ही तो सब जाम कर दिन था, नोटिस भी नहीं। ये बक्सा लेके कहाँ जाएंगे? रोड उस पार जाएंगे, डाला लगा है सामान रखा। हाँ, ये इतना भारी है कि इनका पूरा मुंडी ले जाइए दीदी, अब आपको हम नहीं परेशान करेंगे, सरकार तो ऐसे ही परेशान कर रही है। एक बुजुर्ग मतलब उनकी एज तो काफी हो गई होगी और उस पे अपने सिर पे वो बक्सा लेकर जा रही हैं और यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे होंगे सब लगाया है, इनको भी जाना है, सारे जितने एरो के निशान लगे सब ये बोले हैं तोड़ने के लिए।
पूरा अकबर नगर ये, और यहाँ पे कम से कम मैक्सिमम 2000 लोग हैं, 2000 लोग, 2000 के ऊपर है। ये हमारा घर है, ये देखिए वो टाइल्स जो लगा हुआ है। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, हम लोग के माँ बाप पेट काट कूट के घर बनाए ने यहाँ पे, और 40 साल से रह रहे हैं यहाँ, अपने घर पे रहते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, किराए पे जाएंगे रहेंगे। ये देखिए बच्ची है, कह रही है पिता और माता ने पेट काट काट के घर बनवाया था, और 40 सालों से हम यहाँ रह रहे थे, अब हमारा घर हमसे छीन लिया गया है। और ये छोटी बच्ची, तुमको पता है बेटा कहाँ जाके रहोगी अब? किराए पे। किराए पे, क्योंकि जब घर ही नहीं तो किराए पे तो रहेंगे ही। ये हमारे बेटा ना कुछ ना।